बीमारियां जो है वो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। बड़े से बड़े जो पहाड़ है वो रेजा रेजा हो जाते हैं। हालेलुया। आज दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए, उठाइए दोनों हाथों को, खुदा के करीब आ जाए। वो आपके करीब आ गया, वो उसने अपना तख्त आपके दरमियान लगा लिया है। प्रस्तुति एक ऐसा जरिया है जब आप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं, वो मजबूर हो जाता है कि अपने आसमान को छोड़कर अपने लोगों के दरमियान अपना तख्त लगाए। उसका तख्त हमारे दिलों के ऊपर लग चुका है। वो ऐसा बादशाह है जो दिलों पर अपना तख्त लगाता है, दिलों पर राज करता है। आए अपने दिलों के दरवाजे उसके लिए खोल दें। वो आपके दिलों के ऊपर आ गया है, वो आपके दिल के अंदर आ गया, उसका तख्त आपके दिल के अंदर लग चुका है। हमारे दरमियान उसकी पाक हजूरी है और वो हमें ताजा मसा से पाकरू से भरना चाहता है और भस्म करना चाहता है। वो हर तरह के इब्लीस की कुफ्तों को, इब्लीस की ताकतों को, इब्लीस की बीमारियों को जो इंसानों को जकड़ लेती है, जो ख्यालों को, इरादों को, सोचों को खराब करती है, आए उसे दिल के अंदर दाखिल होने दीजिए। वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है। जो कोई खोलेगा वो अंदर आएगा और खाना खाएगा आपके साथ, रहेगा आपके साथ। भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद, हो भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, जोरदार तालियों में कहेंगे शोले शोले शोले, शोले शोले शोले, शोले भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद, ओ भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद, हम पाते हैं।
खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम खोलिए और हम नया दिनामा में से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 8 बाब और उसकी 43 आयत से 47 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से लूका रसूल की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 43वीं आयत में यूं मरकूम है, और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुवत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरी मां ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम के पर सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा का शुक्र। उसने ये सुना था कि यीशु मसीह नासरी जो है उसके किनारे के पल्लू को भी कोई छू लेता है तो वो शिफा पा जाता है। हालेलुया। और उसके अंदर ये ईमान था, वो जब निकली अपने घर से तो इस ईमान के साथ निकली है कि आज मैं उसके किनारे के पल्लू को छूंगी और शिफा पा लूंगी। हालेलुया। आप में से कितने लोग ये ईमान से निकले हैं कि आज मैं यीशु से बरकत पाऊंगी या बरकत पाऊंगा? आप सब
तो आज जोरदार तालियां बजाएं। आज आपके लिए बरकत के दरवाजे खुदावंद ने खोल दिए हैं। आज का कलाम जो है ये आज हमारी नसीहत के लिए बरकत का कलाम है। हालेलुया। एक औरत थी जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों में खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी। किसी के हाथ से, हकीम जो हिकमत रखते हैं, जो तरह बतरह की जड़ी बूटियों से दुआएं बनाते हैं और लोगों को देते हैं, लोग शिफा पाते हैं, सेहतमंद होते हैं। लिखा कलाम में कि उसने हर तरह के हकीमों को आजमा लिया है और वो अच्छी नहीं हो सकी और उसके लिए ये लानत का सबब बन गई ये बीमारी। लानत का सबब मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि हैकल में जाना हर शख्स के लिए बहुत जरूरी है, खुदा के घर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमारे पास आ जाता है, फिर हमें वो बरकत देता है। आमीन। इस दुनिया में रहने के लिए जिस तरह हम 3 वक्त खाना खाते हैं, इसी तरह हमें ये खुराक बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। खुदा का कलाम एक खुराक की मानंद है। जब तक हम इसे हासिल नहीं करते, हम ईमान में और रूहानी तौर में भूखे और प्यासे रहते हैं। और ज़्यादा देर भूख प्यास हो तो इंसान क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर ही नहीं होता बल्कि मर भी जाता है। जिस तरह हम खुराक ना खाएं, खाना ना खाएं तो मर सकते हैं, इसी तरह अगर हम खुदा के कलाम को ना लें तो ज़्यादा देर रूहानी तौर पर ज़िंदा नहीं रह सकते। फिर इबलीस हमें दबोच लेता है, फिर मुख्तलिफ बीमारियों में, मुश्किलों में, उलझनों में फंसा देता है, फिर हमारी जो है ज़िंदगी जो है बद से बदतर हो जाती है। ऐसा ही है जी। अगर हम खुदा के कलाम को, उस खुराक को लेते हैं तो हम दिन ब दिन तब्दील होते हैं, बरकत पाते हैं और रूहानी तौर पर भी मजबूत रहते हैं। हालेलुया। ये औरत जो है बीमारी की हालत में है और इसके लिए सबसे बड़ी लानत यह है कि इसके लिए वो डोर, वो दरवाज़ा बंद हो गया है जहां लोग अपनी खुदावंद से मिलने जाते हैं। हैकल का दरवाज़ा, हैकल का दरवाज़ा जो फकी फरीसी थे, जो शरा के आलम थे, वो किसी नापाक को अंदर दाखिल नहीं होने देते थे। ये नापाक थी और साथ साथ बीमार थी, इसके लिए हैकल के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके थे। आप सोचें कि अगर किसी का खून जिस्म से जारी हो, निकल रहा हो, उसकी क्या हालत होगी, सोचें जरा। और ये तो 1-2 दिन का टाइम नहीं है, ये सालों का है। 12 साल से उसके बदन से खून निकल रहा है और उसकी हालत किस तरह की होगी। मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि उससे डर और खौफ आता होगा, क्योंकि वो एक मुर्दा हड्डियों की मानद बन गई होगी। उसकी शक्ल से भी खौफ आता होगा क्योंकि जिस्म के अंदर खून जो है वो इंसान की खूबसूरती है। हालेलुया। अगर खून ही ना हो तो जिस्म एक मुर्दा हड्डियों की मानद बन जाता है। ये शक्ल से बेशकल हो चुकी है, हालत इसकी इस कदर खराब है कि बरकत के दरवाजे भी उसके लिए बंद हैं। आज के दौर में तो खुदा सेहतमंद जो हैं, जो खूबसूरत भी हैं, वो भी अपने लिए खुद दरवाजे खुदा के घर के बंद कर रखे हुए हैं उन्होंने, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते खुदा के घर में जाना, सेहतमंद होते हुए भी। ये सेहतमंद भी नहीं है और इसकी ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं खुदा से मिलूँ। एक दिन उसने अपने दिल में ये अहद बांध लिया, ये इरादा कर लिया कि मैं यीशु मसीह से मिलूंगी, उस नासरी से मिलूंगी जो लोगों को छूता है और लोग शिफा पा जाते हैं, कोड़ियों को छूता है, कोड़ी साफ हो जाते हैं, अंधों की आंखों पर हाथ रखता है, जन्म के अंधे देखना शुरू हो जाते हैं। उससे मिलने की ख्वाहिश में निकली है और उसके पीछे आकर उसकी पोशाक के किनारे को छुआ। उसके पीछे आई है, किसके पीछे आई है, यीशु मसीह के पीछे गई है। वो ढूंढती फिर रही है कहीं से मेरा शाफी, मेरा निजात हिंदा मुझे मिल जाए। ये औरत जो अपने घर से ये ईमान से निकली है कि मैं उसके पल्लू को छूंगी तो क्या करूंगी, शिफा पा जाऊंगी।
और जैसे ही उसने उसके पल्लू को छुआ वो शिफा पा गई। हालेलुया। और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। कलाम ये बता रहा है कि जैसे ही उसने उस यीशु मसीह नासरी को, जिसके अंदर से शिफाएं निकलती हैं, जिसके अंदर से कुवत निकलती है, जिसके छूने से शिफा मिलती है, वो किसी को छू ले तो वो शिफा पा जाता है, जो बीमार उसे छू ले तो बीमार शिफा पा जाता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि जैसे ही उसने उसकी पेशाब के किनारे को छुआ वो उसी दम खून बहना उसका बंद हो गया। इस पर, जैसे ही उसका खून बहना बंद हो गया, इस पर यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह ने कहा वो कौन है जिसने मुझे छुआ है। अब यीशु मसीह के ऊपर भीड़ जो है गिरी पड़ती है। जहां यीशु मसीह जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग अपने मरीजों को निकाल निकाल कर रास्तों में खड़े हैं, चरवाहों पर खड़े हैं कि यहां से यीशु मसीह नासरी गुजरेगा तो हम उससे शिफा पाएंगे। भीड़ उसके चारों तरफ है। और जब ईमान के साथ उसके पास आ जाते हैं तो उसके अंदर से कुवत निकलती है। हालेलुया। वो हमें फिर बरकतों से भर देता है। इसके अंदर ईमान की मजबूती नजर आ रही है। ये ईमान जो है वो पैदा किया जाता है अपने आप को खाली करने से, अपने आप को पेश करने से। ये ईमान आता है। जितनी देर तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने आप को पेश नहीं करेंगे उसके हजूर, उतनी देर तक हमारे अंदर ना तो ईमान पैदा होगा और ना शिफा निकलेगी, शिफा मिलेगी। हमें ईमान को अपने को मजबूत करना है। और देखें यहाँ पर यीशु मसीह ने भी आखिर में उसे क्या कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। कई बार हमारा ईमान होता है मगर उसकी बुनियाद कोई नहीं होती, उसकी कोई जड़ नहीं होती। ईमान है हमारा, मसीह यीशु शिफा देता है। हमारा ईमान ये है कि हमें वो जिंदगी बख्शता है, मगर हम उसके उस पर ईमान रखने से क्यों उलझनों में क्यों है, बीमारियों में क्यों है, परेशानियों में क्यों है? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कहीं कोई कमी है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो यहां हम देखते हैं जब उसने कहा कि मेरे अंदर से क्या निकली है, कुवत निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे घिर कर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस वब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। वो अब ये देख कह रही है कि मैं छुप नहीं सकती, अब मेरे पास छुपने की कोई हालत नहीं रही, क्योंकि सब इनकार कर चुके हैं मैंने नहीं छुआ, सब लैदा लैदा हो गए, मैंने नहीं छुआ, मैंने नहीं छुआ, सब इनकार कर रहे हैं। तो यहां पर वो देख रही और कह रही है कि अब मेरे छुपने की हालत नहीं है, अब मेरा जो खून जो बहता था वो बंद हो गया है, अब मैं छुपा नहीं सकती अपनी बीमारी को। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें छुपाने की हम कोशिश करते हैं, शिफा मिल गई होती है लेकिन हम कई बार गवाही नहीं देते। यहां पर वो छुपा रही अपनी बीमारी को, लेकिन उसने जान लिया कि अब छुपने की कोई हालत नहीं रही। वो आकर फौरन अपनी गवाही यीशु मसीह के चरणों में आकर गिर गई और उसने अपनी गवाही दे दी। हालेलुया। उसने बता दिया कि मेरे अंदर से जो खून बहता था, जैसे ही मैंने जनाबे मसीहा आपको छुआ है, मेरी बीमारी उसी वक्त शिफा में बदल गई है। हालेलुया। मेरा खून बहना उसी वक्त बंद हो गया है, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, अब मेरी जिंदगी में बहाली और तब्दीली आ गई है। हालेलुया। ये है आपके यीशु में कुदरत, ये है यीशु मसीह के अंदर बरकत। जब हम उसके पास नहीं आते, जब हम अपनी उलझनों में, अपने घमंड में, अपनी उल्ट सोचों में पड़े रहते हैं और खुदा से दूर रहते हैं, खुदा के घर से दूर रहते हैं, खुदा के करीब नहीं आना पसंद करते, उसके सामने अपनी इल्तिजाएं नहीं करते, उसको जब हम छूते नहीं हैं,
तो फिर हमारे अंदर से वही बीमारियां, वही लाचारियां, वही अबाजपन, वही परेशानियां हमें घेरे रहती हैं, वही उलझने हमें घेरे रखती हैं। अगर हम यीशु मसीह के पास आएंगे, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितनी देर तक हम उसके पास नहीं आएंगे, ये अपने घर से निकली और कलाम ये बताता है कि उसके पीछे गई। कहां गई? अब यीशु मसीह जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव मनादी कर रहे हैं और लोगों को शिफा दे रहे हैं। ये उसके पीछे गई है। आपको भी उसके पीछे आना है। अगर आप दूर से आते हैं या नजदीक से आते हैं, आपको उसके पीछे आना है। पीछे आएंगे तो बहाली है, पीछे आएंगे तो निजात है, पीछे आएंगे तो शिफा है, पीछे आएंगे तो रिहाई है। अगर आप पीछे नहीं आएंगे तो आप इसी तरह अपनी उलझनों में, बीमारियों में, मुश्किलों में फंसे रहेंगे। शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हम्द करें, उसकी मदासराई करें, फिर देखिए और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामती से चली जा। वो फिर हमें सलामती से अपने घरों में जाने के लिए कहता है, अपने बच्चों में जाने के लिए कहता है। अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, परेशानी है, तो अपने यीशु को छुएं। किसी चीज की भी कमी है, अपने यीशु से कहें, वही आपके लिए सब दरवाजे खोलेगा। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। होशना होशना, होशना होशना, होशना होशना, होशना होशना। खुदावंद यीशु मसीह ने जे कम 40 कोड़े खाए, वो बीमारियों के लिए थे, वो इन बीमारियों को दूर करने के थे। हम उन कोड़ों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। होशना होशना, होशना होशना, ओदी कंडे उते कोड़े साडे शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना महाने। सब कहेंगे ओदी कंडे उते कोड़े साडे शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना महाने। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदा उंदी सना सिगावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदा उंदी सना सिगावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदा उंदी सना सिगावांगे। शिफावां यीशु ना। सब कहें जो शिफा को चाहते हैं कि खुदावंद उनके अजीजों की जिंदगी में आज शिफा को रखे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदा उदी सना सिगावांगे। उदी कंडे उदी कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना महाने। आजल से सिपा बर्रा है जो हर वक्त शिफा देता है। उदी कंडे उदी कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां देंदा किन्ना महाने। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदा उदी सना सिगावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदा उदी सना सिगावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदा उदी सना सिगावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, ते सदा उदी सना सिगावांगे। हालेलुया। खुदावंद बेशक तू हमद और सिताइश के लायक है। खुदावंद खुदा देख, हम सब तेरी हजूरी में हैं और तू फरमाता है कि अगर तुम मुत्तफिक हो जाओगे तो जो बात तुम जमीन पर करोगे वो मैं आसमान पर पूरी करूंगा। खुदावंद खुदा,
इन तमाम जिंदगियों को खुदावंद तेरी हुजूरी में ले आते हैं, खुदावंद को शिफा दे, खुदावंद नायक को मुकम्मल शिफा दे, बेटी पूनम को खुदा जो दो साल से खुदावंद खुदा बीमारी की हालत में है, हर तरह की तकलीफ से, हर तरह के दुखों से मेरा लोग आजाद हो, और खुदावंद तेरा तेरे पास है, खुदावंद तू आज भी शिफा देता है, हम तेरी तारीफ करते हैं, जो शिफा देता है बाजी रुबीना के लिए, खुदावंद उसको मुकम्मल शिफा दे, बीमारी से रिहाई दे, रजा दे, बेटी सिद्रा की आंखों को खोल, क्योंकि जो अपने घरों में बीमार है, कुदरत तेरे पास है, तेरी कुदरत वहां पर बनाई को तंदुरुस्ती, खुदावंद तेरी कुदरत वहां पर नाजिल हो, अपने लोग अपनी बीमारियों से शिफा पाए, और सारा जलाम तेरे नाम पर हम खुदावंद सारी संतान कम रखते हैं, लेकिन तेरी कुदरत महान है, तू उसके कानों को, तू उसकी आवाज को बहाल कर, खुदावंद खुदा बेटी सारा गुंगापन बहरापन यीशु तेरे नाम से फिर और जाता रहे, और खुदावंद बेटी अलीना के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद खुदा कमर में सारा पानी यीशु के नाम से खुश हो जाए, और बेटी शिफा पाए, किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, आसमानी बाप दुआ करते हैं बेटी खुदावंद खुदा अलीना के लिए, खुदावंद उस बेटी के लिए जिसको कैंसर है, खुदावंद उसको शिफा दे, खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि हम सब ने जब उसके लिए दुआ की तो खुदावंद उसे शिफा दे दी थी, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरी कलीसिया में अगर कोई परेशान है तो यीशु के नाम से जाती रहे, सारी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे, सारा बुखार यीशु के नाम से जाता रहे, हेपेटाइटिस यीशु के नाम से जाता रहे, जोड़ों की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे, खुदावंद शुगर की बीमारियां बदनों को छोड़े, ब्लड प्रेशर की बीमारियां यीशु के नाम से छोड़े, मेदे के अल्सर यीशु के नाम से जाते रहे, और भी खुदावंद खुदा कोई बीमारी है, नजर की कमजोरी है, किसी तरह की कोई बीमारी है, खुदावंद कोई गिल्टी है, कैंसर की है, अगर नहीं भी तो खुदावंद खुदा हम उसे यीशु के नाम से फिल फॉर अभी हुक्म देते हैं, इन बदनों को छोड़े, क्योंकि खुदावंद ये बदन तेरा मकदस है, और इनमें बीमारी की जगह नहीं है, इनमें तंगी की परेशानी की जगह नहीं है, खुदावंद घरों को बहाल कर, घरों में खुदावंद खुशहाली आए, खुदावंद आसमानी बाप कारोबार बहाल हो, जॉब्स बहाल हो, रिश्ते बहाल हो, यीशु के नाम से हर एक चीज को खुदावंद खुदा हम बांध देते हैं, और मुकम्मल शिफाओं को मांग लेते हैं, खुदावंद सारे हदीये नजरानों पर तेरी बरकत ठहरी रहे, खुदावंद इन जितने लोगों ने तेरे घर में दिया है इन पर अपने आसमान को खोल कर खुदावंद खुदा बड़ी बरकत बरसाना, और हर एक चीज खुदावंद अपने इलाही खजाना से इनकी जिंदगियों में मुहैया करना, ताकि किसी चीज की कमी खुदावंद तेरे लोगों में चर्च में ना आने पाए, खुदावंद इस कलीसिया को हम तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं, एक एक जिंदगी पर तेरा मसा ठहरा रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आई मिलकर खुदावंद की सखायु दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ, और मुल्के पाकिस्तान की तमाम कलीसियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।